और आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख की संजीवनी बूटी की। दावा इस बात का किया जा रहा है कि हाई एल्टीट्यूड पर पाई जाने वाली ये बूटी हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले लोगों के लिए ऑक्सीजन की तरह है। तो आज हम पड़ताल करेंगे हिमालय पर पाई जाने वाली तमाम तरह की संजीवनी बूटियों की, जिनका डीएनए डिकोड किया जाना अब भी बाकी है। हिमालय के कुनलुन पर्वत श्रृंखला के बीच बसा कुदरत का सबसे खूबसूरत शहर लद्दाख। जो समुद्र तल से 9800 फीट ऊपर है, जहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है, पर्वतारोहियों के लिए स्वर्ग माना जाने वाला लद्दाख, जहां इतने पर्वत शिखर मिलते हैं जिनको फतह करने में आपकी पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है, जहां ट्विन हंप वाले ऊंट मिलते हैं, पक्षियों की 225 प्रजातियां मिलती हैं, जहां पर अलग तरह का रहन सहन खान पान मिलता है। उसी पर्वत शिखर पर क्या कोई ऐसा पौधा भी पाया जाता है जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं समझ सका। लद्दाख में सोलो नाम का एक पौधा पाया जाता है। जानकारों का कहना है कि पौधा हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले लोगों के लिए, बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात सुरक्षा बलों के लिए ये संजीवनी का काम करता है। क्या वाकई हिमालय की ऊंचाई पर संजीवनी बूटी पाई जाती है जिसका इंसानों पर असर सोच से भी ज्यादा मिलता है? ऐसे अनगिनत पौधे, हर्बल प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बिखरे पड़े हैं। उनकी पहचान होगी, उनकी बिक्री होगी, तो इसका बहुत बड़ा लाभ वहां के लोगों को मिलेगा, विशेषकर वहां के किसानों को मिलेगा। पर्वत यू जगमग करे, जो चमके आकाश, उतरे कभी गिरी द्रोण पर, अद्भुत देख प्रकाश। आखिर पर्वत शिखरों ने कितनी संजीवनी बूटी संजो रखी है? आखिर कुदरत ने पर्वतों को इंसानों के जिस्म में प्राण फूंक देने की ताकत क्यों सौंप रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आर्टिकल 370 पर देश को संबोधित किया था तो उन्होंने लद्दाख के एक फूल का जिक्र किया था और इस जिक्र ने सभी लोगों को चौंका दिया। वजह यह है कि जिस सोलो नाम के फूल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया उसे हिमालय की संजीवनी कहा जाता है। ये ऐसा पौधा होता है जो हजारों लोगों की जान की रक्षा करता है, लेकिन ये कैसे करता है ये आज भी रहस्य है। इस एपिसोड में आज हम आपको इस संजीवनी की पड़ताल पर लिए चलेंगे। संजीवनी बूटी का जिक्र शायद पहले पहल हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में किया गया। मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। जिस रामायण की कथा कहती है कि लक्ष्मण की मूर्छा तोड़ने की सारी कोशिशें जब बेकार हो गईं। माता, एक धर्मरत मानव के कल्याण के लिए आपकी पत्तियों की आवश्यकता है, अपनी पत्तियों से मेरे रोगी को आशीर्वाद प्रदान करें। तो हिमालय ने भगवान राम के प्रिय भाई के शरीर में जीवन का संचार कर दिया। संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण को जीवन दान दे दिया। कहते हैं कि उस संजीवनी बूटी को हिमालय ने आज भी संजो रखा है और उसी का एक रूप हिंदुस्तान के लद्दाख में भी मिलता है, जो लद्दाख आज भी सैकड़ों सैलानियों की पसंदीदा जगह है।
जिस लद्दाख तक पहुंचना देश दुनिया के ज्यादातर लोगों का सपना होता है। After removal of this 370, positive effect अगर majorly देखते हैं तो लद्दाख को होने वाला है। टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से बहुत अच्छा है। अभी हम लोगों ने देखा कि रोड साइड रोड्स वगैरह भी बंद रहे, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चालू है। Overall, great place. I'm here for the second time. Ladakh, it is great place to call it day. तो क्या उसी खूबसूरती के बीच कुदरत का जूबा भी फूलता है? क्या सोलो नाम के इस फूल में हर मर्ज की दवा मिलती है? क्या वाकई सोलो नाम का ये फूल संजीवनी की तरह काम कर सकता है, बीजान शरीर में प्राण फूंक सकता है? आखिर हिमालय ने ऐसी कितनी संजीवनी खुद में संजो रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सोलो नाम के पौधे का जिक्र किया तो हर किसी की उत्सुकता बढ़ सी गई थी। सवाल ये उठने लगे कि आखिर ये पौधा किस तरह से फायदा करता है, इसके पीछे का विज्ञान है क्या? तो चलिए विज्ञान के नजरिए से परखते हैं सोलो नाम के पौधे की ताकत। लद्दाख में सोलो नाम का एक पौधा पाया जाता है, ये संजीवनी का काम करता है। आखिर सोलो नाम का वो कौन सा पौधा है जो हिंदुस्तान के लेह लद्दाख में एक रहस्य बनकर फूटता है? आखिर सोलो नाम के पौधे का वो कौन सा असर है जिसने रोडियोला वैज्ञानिक नाम वाले पौधों को संजीवनी बना रखा है? अब तक की शोध बताती है कि सोलो नाम के फूल 15,000 से 18,000 की ऊंचाई पर मिलते हैं। इस फूल का वैज्ञानिक नाम रोडियोला रखा गया है। ये फूल साइबेरिया और भारत के लद्दाख में पाए जाते हैं। लद्दाख में ये पौधे खारदुंगला, चांगला और पेजिला में मिलते हैं। ये तीन तरह के होते हैं, जिनमें से सोलो कार्पो का रंग सफेद, सोलो मार्पो का रंग लाल और सोलो सेरपो का रंग पीला होता है। अब तक के शोध और स्थानीय लोगों का अनुभव कहता है कि ये तीनों रंग की ये फूल बहुत काम के होते हैं। कुछ लोग जड़ी बूटी का नाम सुनते ही नाक बहुत सिकुड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको इस बूटी के वैज्ञानिक पहलू की ओर लिए चलते हैं। दरअसल सोलो पौधे का वैज्ञानिक नाम रोडियोला है और यह हाई एल्टीट्यूड पे पाया जाने वाला पौधा है। इस पर तमाम तरह के शोध भी हो चुके हैं और ये पाया गया है कि रोडियोला रोजिया नाम का ये पौधा कंप्लीट फूड है, जो धरती से ऊपर पहाड़ पर रहने वाले लोगों के लिए प्राणवायु की तरह है। लद्दाख में सदियों से सोलो के फूल का इस्तेमाल किया जाता रहा है। स्थानीय लोग इसे सब्जी बनाकर खाते रहे हैं और दावा करते हैं कि इससे डिप्रेशन नहीं होता, थकान नहीं होती, भूख भी खूब लगती है और जिस जगह पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है वहां पर ये पौधा जीने की शक्ति देता है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का बड़प्पन है। लद्दाख को उस श्री प्रधानमंत्री जी ने गौर से जानने की कोशिश किया है। यहाँ पे बहुत सारे जो जड़ी बूटी से आयुर्वेदिक जो मेडिसिनल प्लांट्स है उसमें से संजीवनी जो है, सोलो कहते हैं लोकल नाम, वो संजीवनी जो है वो एक चीज है। वो संजीवनी यहाँ के जो ट्रेडिशनल आमची सिस्टम कहते हैं, जो मेडिकल सिस्टम है, उसमें सदियों से वो प्रयोग में है। यहाँ के मान्यता है अगर उस संजीवनी उसको खाए तो उसमें आदमी का सब कुछ ठीक रहता है, फिट, यानी कि ऑल इन वन मेडिसिनल प्लांट है। सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक वहम है या फिर इसके पीछे कोई विज्ञान भी है, क्योंकि रोडियोला मुख्य रूप से ठंडे पर्वतीय स्थानों में होता है, यूरोप और एशिया में पाया जाता है। सदियों से लोग इसका इस्तेमाल बेचैनी, थकान, एनीमिया, संक्रमण, सिरदर्द और डिप्रेशन से बचने के लिए करते आ रहे हैं। नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ की एक रिपोर्ट कहती है कि इस फूल पर 2011 और 2012 में दो रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिनमें कहा गया कि रोडियोला से शारीरिक क्षमता बढ़ती है और मानसिक थकान खत्म हो जाती है। लेकिन ये रिसर्च इतनी पर्याप्त नहीं है कि किसी ठोस नतीजे पर पहुंचा जा सके। हालांकि एक रिपोर्ट कहती है कि मंगोलिया में इस पौधे को कैंसर और टीबी के इलाज के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, वहीं साइबेरिया में प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए। स्कैंडिनेविया के समुद्री लुटेरे इसका इस्तेमाल क्षमता बढ़ाने के लिए करते रहे हैं, वहीं नॉर्वे में ये फूल शैम्पू बनाने के काम आता है।
इसमें इस तरह के काफी सारे प्रॉपर्टी है, जैसे हाई अल्टीट्यूड के जहाँ माना जाए हाई अल्टीट्यूड में इसको इस तरह के काफी सारे बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है। सोलो का पौधा अब लद्दाख की पहचान बन चुका है, जिसकी बाकायदा फार्मिंग होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो साथ में ये पौधा असाध्य ऊंचाई पर तैनात जवानों के लिए संजीवनी का काम करता है। बावजूद इसके लद्दाख में ये संजीवनी बूटी आज भी एक राज है। लद्दाख का ये फूल अपनी खूबियों के चलते एक लौता जरूर हो सकता है, लेकिन अकेला नहीं। पहाड़ों पे ऐसी तमाम तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिससे शरीर को असर होता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण में भी जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो उन्हें भी हिमालय से लाई गई संजीवनी से बचाया गया था। सवाल ये उठता है कि आखिर पहाड़ों पर इतनी तरह की जड़ी बूटियां क्यों पाई जाती हैं? क्या कुदरत ने इंसानों को रक्षा कवच दिया हुआ है? ऐसा है तो आखिर क्यों? तो क्या वाकई लाल पीले और सफेद रंग के सोलो के फूलों का केमिकल आज भी विज्ञान के लिए अनजाना है? क्या वाकई 15,000 फीट ऊपर धरती पर पाए जाने वाले सोलो फूल की खूबियों को अभी डिकोड किया जाना बाकी है? आखिर इस संजीवनी बूटी के इस्तेमाल करने वालों के अनुभव सच है, या लोगों का ये भरोसा ही एक पौधे को संजीवनी बूटी बना देता है? क्या वाकई कुदरत ने अपने दुरूह शिखर पर इंसानों के लिए प्राण वायु भी उगा रखा है, जीवों की जरूरत की हर दवा उगा रखी है? संजीवनी बूटी की पड़ताल में अब हम आपको श्रीलंका के उस पर्वत के करीब ले चलेंगे जिसे सुमेरु पर्वत कहा जाता है, और दावा इस बात का किया जाता है कि इसी पर्वत को भगवान हनुमान उत्तराखंड से उठाकर लेकर गए थे। दावा किया जाता है कि सुमेरु पर्वत पर संजीवनी थी जिससे लक्ष्मण की मूर्छा खत्म हुई। लेकिन आपको बताते हैं कि क्या कहती है रामायण की कथा। भैया मुझे आज्ञा दीजिए, संपूर्ण राक्षस जाति का नाश करने के लिए मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूं। बिजली जैसी चमकी बरछी और काल की भांति चली बरछी। रामायण की कथा में नया मोड़ तब आता है जब मेघनाथ शक्ति रूपी बरछी का संधान करता है और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। एक ऐसा आघात जिसे देखकर भगवान राम की वानर सेना हाहाकार कर उठती है। ये क्या हो गया? हनुमान जी, वीरवर लक्ष्मण को ये क्या हो गया है? और भगवान राम विलाप कर उठते हैं। लक्ष्मण बिना मैं अयोध्या का राज कैसे भोग सकूंगा और अयोध्या ही कैसे जा सकूंगा? एक ऐसी कथा जिसमें हिंदुस्तान से लेकर लंका तक आस्था मिलती है। वहां के लोगों ने जब से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि राम भगवान थे कि नहीं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ऐसे जरूर कुछ हुआ है कि हमारे राजा को एक राम नाम के व्यक्ति ने मार गिराया था। दूसरी ओर कथा है कि लक्ष्मण की मूर्छा के बाद भगवान राम को पराजय दिखने लगती है, लेकिन विभीषण ने जब लंकेश के राज्य वैद्य सुषेण का जिक्र किया तो उम्मीद की एक लहर दौड़ पड़ी। सुषेण की से यदि नाड़ी परीक्षा कराई जा सके तो संभव है वो कुछ उपचार बता सके। हनुमान ने लघु रूप धारण करके सुषेण वैद्य के घर का रुख किया। श्रीमान जी, वैद्यराज सुषेण आप ही है ना? और उन्हें घर समेत ही युद्ध स्थल तक ले आए। जय श्री राम। अरे ये क्या कर रहे हो? बचाओ बचाओ, अरे कोई है, बचाओ बचाओ। कथा है कि लक्ष्मण की मूर्छा तोड़ने के लिए सुषेण वैद्य ने संजीवनी समेत चार तरह की बूटियां लाने को कहा, और वो भी सूर्योदय होने से पहले। कथा है कि वैद्य के आदेश पर लक्ष्मण के मृत शरीर को जिंदा करने के लिए हनुमान ने उत्तराखंड का रुख किया। हनुमान, एक एक पल मूल्यवान है, व्यर्थ में समय नष्ट ना कर, उठा कर ले चल पूरा पर्वत ही। आखिर वक्त गुजरता देख
भगवान हनुमान ने उत्तराखंड के द्रोण पर्वत का वो हिस्सा ही उठा लिया जिस पर संजीवनी बूटी होने का अनुमान था और वापस लंका की राह पकड़ ली। दावा किया जाता है कि जिस पर्वत को हनुमान लंका ले गए वही सुमेरु पर्वत है। रामसिला पर्वत जिसे शोधकर्ता सुमेरु पर्वत का एक हिस्सा बताते हैं और शोधकर्ताओं ने जैसे जैसे अपने इस तथ्य को विज्ञान के साथ जोड़कर साबित करने की कोशिश की तो उन्होंने यहां पर एक बजरंग बली की मूर्ति जो है वो भी स्थापित कर दी है। हम आपको वो मूर्ति भी दिखाते हैं। यहाँ पर बजरंग बली हनुमान की ये मूर्ति स्थापित की गई। कथा है कि भगवान हनुमान जब संजीवनी बूटी लेकर लंका पहुंचे तो सुषेण वैद्य ने उससे औषधि बनाई और उस औषधि से लक्ष्मण की मूर्छा खत्म हो गई। दावा किया जाता है कि वो औषधियां आज भी सुमेरु पर्वत पर मौजूद हैं। 188 के करीब करीब जो जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, उनमें से 168 जड़ी बूटियां सिमिलर जो जड़ी बूटियां हैं, थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बदलाव के कारण तो उनका थोड़ा सा आपस में नेचर के साथ में जो होता है सॉइल के साथ में वो थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है, लेकिन वो सिमिलर उसी तरीके की जड़ी बूटियां कच्चा तीबू में, तलाड़ी में, रीतिगला में, रोमासाला में, दुलुकंदा में ये पाई जाती हैं। ये 5 पर्वत हैं। तो क्या श्रीलंका का सुमेरु पर्वत वाकई भारत के द्रोण पर्वत का एक हिस्सा है? क्या वाकई दोनों में कोई वैज्ञानिक मेल भी है? क्या वाकई आज भी कोई ऐसी बूटी मौजूद है जो मौत को मात दे सके? इस सवाल की पड़ताल में हमने रुक किया उस जंगल का जिसमें कथा मिलती है, कल्पना मिलती है, दवा मिलती है। श्रीलंका की रामायण रिसर्च कमेटी के दावे पर अगर यकीन करें तो हनुमान सुमेरु पर्वत को ही उठाकर लंका लेकर गए थे और उस पर्वत से संजीवनी बूटी मिलने का जिक्र भी है। लेकिन हमारे सामने सवाल था कि इस दावे का आधार क्या है। इसकी पड़ताल में हमने रिसर्च कमेटी के ही सदस्य के साथ जंगल का रुख किया। रामायण की कथा कहती है कि लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने के लिए सुषेण वैद्य ने एक नहीं 4 बूटियां मंगाई थी। रिसर्च कमेटी कहती है कि चारों बूटियां एक ही पर्वत से मिली और वो पर्वत है रूमसाला गौल या सुमेरु पर्वत। कहते हैं रावण के वध के बाद वैद्यराज सुषेण की बेटी रूमा ने इसी पर्वत पर अपनी प्रयोगशाला बनाई, औषधियों पर लंबा शोध किया और इसी वजह से पर्वत का नाम रूमसाला गौल पड़ गया। इस पर्वत को लेकर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी रिसर्चर्स की हैरानी भी बढ़ती गई। पर्वत के जिस अजूबे को लोग सदियों से देखते आए थे उसे वैज्ञानिकों ने रामायण काल से जोड़ने का आधार बनाया। रिसर्चरों ने पाया कि सुमेरु पर्वत अपने आसपास के पर्वतों से बिल्कुल अलग है, पहाड़ और पहाड़ में अंतर मिलता है। जब बाकी पर्वतों पर नारियल, केले और स्थानीय पेड़ पौधे पैदा होते हैं तो सुमेरु पर्वत पर जड़ी बूटियों का अकूत भंडार मिलता है और ये फर्क इसे बाकी पर्वतों से अलग करता है। और ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि सिर्फ एक बीच की चट्टान पे अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, बाकी जो पूरे कोस्टल एरिया में सारी चट्टानें जो हैं समुद्र के किनारे किनारे वहां पर आपको सिर्फ नारियल या फिर दूसरे समुद्री पेड़ पौधे मिलेंगे। इस बीच की 3 किलोमीटर की चट्टान पर आपको अलग अलग तरह के छोटे बड़े पेड़ पौधे मिलेंगे जो ना तो श्रीलंका में कहीं और पाए जाते हैं और ना ही समंदर के किनारे मिलते हैं। रिसर्चर्स ने सुमेरु पर्वत पर पाई जाने वाली बूटियों की पहचान की तो हैरानी एक कदम और आगे जा पहुंची। दावा किया जाता है कि यह श्रीलंका का एक ऐसा अनोखा पहाड़ है जिस पर ठीक वो ही जड़ी बूटियां मौजूद हैं जो हिमालय पर पाई जाती हैं। एक दो नहीं ऐसी 128 बूटियों की पहचान अब तक की जा चुकी है। हिमालय पर्वत पर जो औषधियां मिलती हैं, रोमोसेला और सुमेरु पर्वत का हिस्सा जिन जिन जगहों पर गिरा माना जाता है वहां पर भी जिस तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं उनकी तासीर आपस में काफी मेल खाती है। इस बीच ये दावा भी किया जाता है कि इन्हीं पर्वतों पर संजीवनी बूटी भी मिल सकती है। रिसर्चर्स के दावे का एक आधार सुमेरु पर्वत की मिट्टी है
दावा किया जाता है कि इस पर्वत पर वैसी ही मिट्टी मिलती है जो मिलती है उत्तराखंड के द्रोण पर्वत पर, जो श्रीलंका में कहीं और नहीं मिलती। इस पर्वत और चट्टानों की मिट्टी की रिसर्च में जो एक अहम बात सामने आई है वो ये कि जो मिट्टी है, जब इसकी सॉइल टेस्टिंग कराई गई तो पाया गया कि इसकी जो तासीर है वो हिमालय पर्वत पर, द्रोण पर्वत पर और उत्तरांचल के इलाके में जिस तरह की मिट्टी मिलती है उससे काफी मिलती जुलती इसकी तासीर पाई गई है। न्यूज नेशन की खोज इससे आगे नहीं बढ़ सकी, या यूं कहें कि 3 किलोमीटर के एक रेयर संजीवनी पौधे की तलाश हमें उस पौधे तक नहीं ले जा सकी। रिसर्चर्स दावा करते हैं कि पर्वत के किनारों पर गहरी खाई होना इस बात का प्रमाण है कि उसे कहीं से लाया गया और समुद्र के पास रख दिया गया। क्या ये वाकई वही संजीवनी है जिसने रामायण काल में राम के संकट हरे, जिसने लक्ष्मण को मूर्छा से बाहर निकाला? कोई नहीं जानता कि सुमेरु पर्वत पर संजीवनी की तलाश किसी नतीजे पर पहुंचेगी या नहीं। कोई नहीं जानता कि अतीत में झांकने की इस कोशिश को कोई अर्थ मिलेगा या नहीं। कोई ये भी नहीं जानता कि आघात लगने पर प्राण लौटा देने वाली करिश्माई संजीवनी बूटी की हकीकत क्या है। लेकिन रामायण काल की बूटी मेडिकल साइंस के लिए उम्मीद बनकर लौटी है। माना जा रहा है कि जिस दिन बूटी को विज्ञान डिकोड कर लेगा उस दिन मरते हुए इंसान को जिंदा करने की ताकत हासिल होगी। जिस दिन बिना पानी के जिंदा रहने वाली बूटी का डीएनए डिकोड होगा उस दिन बंजर खेतों में भी फसलें लहलहाएंगी। धरती पर ऐसी फसलें उगेंगी जिन्हें ना तो सिंचाई की दरकार होगी ना बारिश के। दुनिया के पास संजीवनी की डीएनए वाली बीज होगी जो अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए चमत्कार साबित होंगे। सोलह के पौधे से लेकर सुमेरु पर्वत तक संजीवनी के कई ऐसे राज पसरे हुए हैं जिन्हें अभी पढ़ा जाना बाकी है। संजीवनी के डीएनए को डिकोड किया जाना बाकी है।